अस्सलाम वालेकुम जी, ट्विन सिटीज मार्केटिंग के चैनल पर समा परवेज की तरफ से आपको खुश आमदीद जी। इस टाइम पे मौजूद है मर्सिडी गुजर खान की साइट के ऊपर, और आप ये जो मेरे पीछे जगह देख सकते हैं, ये मर्सिडी गुजर खान का गेट नंबर 2 है जो जीटी रोड के ऊपर मौजूद है। ठीक गेट नंबर 1 से तकरीबन आप ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के फासले पर देखते हैं, तो आपके साइड बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ही आपका गेट नंबर 2 आता है। इन बिटवीन आपका जी मर्सिडी गुजर खान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर आप लोगों ने ब्रीफली डेवलपमेंट अपडेट्स देखी हैं, चाहे वो रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी इनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितनी कटिंग्स हो चुकी हैं, वो सारी आपने वीडियोस देखी हैं हमारे चैनल पे। और इस टाइम पे जो गेट नंबर 2 है इनका, वहाँ पे आके वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको ये दिखाना कि किस तरीके से जनाब मर्सिडी गुजर खान अपनी डेवलपमेंट को खींच के जनाब कर रहा है। और ऑन ग्राउंड अगर आप आएँ, आप आके खुद अपनी आंखों से देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि वो तमाम लोग जो यहाँ पे विज़िट नहीं कर पाते या जिस तरीके से वो चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पाती, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि उन तमाम लोगों को ये सारी चीज़ें उनके मोबाइल फ़ोन पे, उनकी स्क्रीन पे हम उनको ईज़िली उन लोगों के लिए फिजिबल करवा सकें। मर्सिडी गुजर खान के हवाले से जी कुछ बातें हैं आसान लफ्ज़ों में, और थोड़े से सीधी सीधी बातें आपसे करूँगा। जितना भी आज का हमारा ये ट्रैवल रहा है, जितनी भी हम लोगों ने आज कवरेज की है मर्सिडी गुजर खान के हवाले से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम विज़िट करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग बेचते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग डील करते हैं, वन ऑफ इट्स काइंड मर्सिडी गुजर खान के अब तक जिस हिसाब से ये मार्केट में चल रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो हम मार्केट की बात करते हैं, चाहे हम बैलेटिंग की बात करते हैं, चाहे हम पोजेशन की बात करते हैं, और फिर डिलीवरी की बात करते हैं, रिटर्न्स के हवाले से देखते हैं, तो इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड रिटर्न्स मर्सिडी गुजर खान ने जनरेट करवाए हैं अपनी मार्केट में। बहुत से भाई हैं जी, अपनी बातें उनकी जगह पे कहीं ना कहीं ठीक हैं जी। कोई कहते हैं जी मर्सिडी गुजर खान की जो मार्केट है वो माइनस चल रही है, कोई भाई कहते हैं जी मर्सिडी गुजर खान शायद सिर्फ ए अर्ली बर्ड ब्लॉक है, कोई कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ ए अर्ली बर्ड पर काम कर रहे हैं या एक बुलेवार्ड पर काम कर रहे हैं। तमाम भाइयों के लिए आई रिस्पेक्ट देयर व्यू, बट मेरे जो व्यू है पर्सनली, व्हाट आई यहाँ से जो मुझे वाइब मिली है और जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरे भाइयों, आप अगर देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो सिर्फ 120 डेज़ की डेवलपमेंट पे अगर आप प्रोजेक्ट का एटलीस्ट इतनी चीज़ अगर आप समझ रहे हैं ना कि एक प्रोजेक्ट ग्राउंड पर लाए करता है, एक प्रोजेक्ट ने अपना आप ग्राउंड पर शो करवाया है, यकीन करें हम मार्केट में अगर सिर्फ इतना भी प्रोजेक्ट हो तो हम उससे मुतमिन हो जाते हैं। मेट्रो सिटी गुजर खान की साइट पर अगर हम देखते हैं गेट्स की कंस्ट्रक्शन, चाहे वो गेट 1 है चाहे गेट 2 है, लैंड अवेलेबिलिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कटिंग्स, और उसके साथ साथ जितनी भी इसकी जनाब, चाहे वो मस्जिद है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, या इसके साथ साथ विलाज हैं, ये सारी चीज़ें मेट्रो सिटी गुजर खान ने 120 दिन के अंदर अपनी साइट पर जनाब प्रोवाइड कर दी। तो ये चीज़ समझने के लिए काफ़ी इनफ है कि मर्सिडी गुजर खान अगर एक ब्लॉक में इस तरह से अमेनिटीज़ दे रहा है, तो फर्दर आगे ब्लॉक्स में वो क्या देगा। तो जो लोग कहते हैं कि शायद मर्सिडी गुजर खान के पास अर्ली बर्ड ए ब्लॉक है, तो उन तमाम भाइयों के लिए ये एक बात बताना ज़रूरी है कि हर प्रोजेक्ट का काम करने का अपना तरीका होता है। आपने वो प्रोजेक्ट ज़रूर देखे होंगे जो इससे पहले जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया या नहीं डिलीवर किया, तो फॉर देम देर इज़ द फर्स्ट टाइम, उनकी पहली बार है, तो वो हम लोग वहाँ से जी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि शायद वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो अगर मेट्रो सिटी गुजर खान की अब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली न्यू मेट्रो सिटी की बात करते हैं या BSM डेवलपर्स की बात करते हैं, ऑलरेडी खारिया में इन्होंने प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर दिया है। तो हम बात करें खारिया की, तो किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले जो उनका मेन फोकस था, वो उनका सबसे पहला ब्लॉक जो ए ब्लॉक है इनका, वो था आफ्टर ABC। अगर हम इसी तरीके से फर्दर जाते हुए देखें तो किस तरीके से उन्होंने चीज़ें बनाई, डिलीवर की, और फिर आके लोगों को पोजेशन दिए। वहाँ पे अगर हम मर्सिडी खारिया की बात करते हैं, तो मर्सिडी खारिया में एंड तक टिल लास्ट ब्लॉक जहाँ पे पोजेशन है, उसकी मार्केट अपनी सॉलिड मार्केट स्टैंड है। तो हम बात करते हैं जी मर्सिडी गुजर खान की, तो जो लोग कहते हैं शायद ए अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है वही इनका एक ही ब्लॉक है, तो उन तमाम भाइयों के लिए अगर प्रोजेक्ट ए अर्ली बर्ड ब्लॉक में अपने सॉलिड रिटर्न्स ले आया है, तो यस दे हैव प्लान्स, उनको पता है बेहतर तरीके से कि कैसे उन्होंने ब्लॉक सी, ब्लॉक डी या गोल फेयर विस ब्लॉक तक अपने ब्लॉक्स में उन्होंने वैल्यू एडिशन करनी है, उन प्लॉट्स को, उन इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न्स देने हैं।
अगर ए ब्लॉक अर्ली बर्ड की बात करें तो वो एक बड़ा लिमिटेड सा ब्लॉक है, वहाँ पे प्रोजेक्ट जो चीज़ें ला सकता था वो ले आया। इसके बाद फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी अमेनिटीज़ हैं, वो मैक्सिमम आगे आपके ए साउथ में, बी में भी, सेंट्रल सी और इसके साथ इसी तरह से फेयरवेज, गोल्फ फेयरवेज ब्लॉक में आनी है। तो ये चीज़ें समझने के लिए इनफ हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट डेडिकेटेड है। अब ऑब्वियसली जिन लोगों के बैलेटिंग में प्लॉट्स हैं, चाहे वो ए साउथ है, बी सेंट्रल है या इसके साथ सी, फर्दर जिसमें भी आएंगे या आगे गोल्फ फेयरवेज तक की बात करते हैं, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग इतना मुतमिन रहें, सेटिस्फाइड रहें कि किस तरीके से मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवरेंस के लिए इस टाइम पे डेडिकेटेड है। हम लोग लिटरली जब प्रोजेक्ट्स शुरू में हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए, तो ऑब्वियसली इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जो टाइमलाइंस होती हैं, डेवलपमेंट्स स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आप लोगों के लिए भी नहीं थी और हमारे लिए भी नहीं थी। तो वहाँ पर ये चीज़ समझना कि प्रोजेक्ट किस तरीके से लेकर चलेगा, किस तरीके से चीज़ें डिलीवर करेगा या डेवलप करके पोजीशन हैंडओवर करेगा, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था। बट यहाँ पे हमें चीज़ें आए हैं तो हमें चीज़ें देख के समझने में भी आसानी होती है और आप लोगों तक बताने में भी आसानी होती है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आपको अच्छे रिटर्न इंशाल्लाह ताला देगा। क्योंकि अब बिफोर हम बात करें मेट्रो सिटी से पहले बात करें, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इस टाइम भी मार्केट में आए जिन्होंने अपनी फाइल्स बेची हैं और इस टाइम तक कोई बैलेटिंग, कोई इसकी हम बात करें भी किसी तरह का वहाँ पर कोई इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हो, कोई नामो निशान नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉलिड मार्केट के साथ प्रॉपर डिलीवरेंस की तरफ और पोजेशन की तरफ जी प्रोजेक्ट चल रहा है। मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग हमेशा से खड़ा है और आप लोगों से भी कहेंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सॉलिड जगह पे पार करें। इससे ज़्यादा सॉलिड आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी फॉर द टाइम बीइंग नहीं मिल सकती कि डेढ़ साल में आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर फुल एंड फुल जो है आपको डेवलपमेंट करके पोजेशन आपके हैंडओवर करे विद फुल रिटर्न्स। तो मेट्रो सिटी गुजर खान के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करने के लिए ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग के साथ यूएन नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद डेवलपमेंट आपसे शेयर करेगी ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग की टीम। तब तक हमारे साथ जुड़ी रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।